परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कृष्णा हर युग में बार बार अवतार लूंगा साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कई इस बात के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा, दुख का असर इस पृथ्वी पर पड़ते जा रहा है। लेकिन जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज़ को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीज़ों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सतयुग, त्रेतयुग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा, वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ ख़त्म कर देगी, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश की कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियाँ सूख जाएंगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी, धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कलि नाम का एक खतरनाक और ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसे खुरीदी हुई, मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू, इस सब से कलि एक ऐसा असुर है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। कलि का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कलि भय, मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कलि सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार है, जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कलि आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर कलि की पूजा करने लगेंगे। कलि के कहने पर लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। मनुष्य की शक्ल धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेगी। उनकी शक्ल एक नरबक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी। वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मार कर उनका मांस खाएंगे। कलि का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का माहौल होगा। हर जगह चोरी, चकारी, लड़ाइयाँ, खून खराबा होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुँच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम का एक सफ़ेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा।
उनकी गहरी आंखें होगी जिनमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में झांककर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। भगवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे, किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक झटके में ख़त्म कर सकेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ ही साल पहले बैसाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाल नाम के एक गांव में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णु यासा उनके पिताजी होंगे और सुमति उनकी माँ और उनके चार भाई होंगे जो उनके मिशन को पूरा करने में उनका साथ देंगे। उनका मिशन कली का संहार करके कलयुग का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मानव का अवतार लेकर आएंगे लेकिन उनका रूप होगा एक योद्धा का। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान, वेदव्यास, परशुराम, राजा बाली, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। वेदव्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनके पैदा होने के समय उनका दर्शन करने आएंगे और वो ही उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका एक मीनिंग संस्कृत वर्ड कल्का से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है गंद, यानी कल्कि वो है जो इस धरती से सारी गंदगी का सफाया करेंगे। कल्कि का और एक मीनिंग है समय का अंत, यानी वो जो समय के अंत तक रहेंगे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपने शरण में लेंगे और उन्हें सारे वेद पुराण शास्त्र चलाना जैसे 64 ज्ञान देंगे। इसी तरह ये सारे चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल्कि अवतार का उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे और इस तरह कली के संहार की तैयारी होगी। जब युद्ध का समय आएगा उस दिन आकाश में गरजते हुए बादल होंगे, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा, ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। आखिरकार कल्कि अपने दिव्य सफ़ेद घोड़े पर सवार तेज तलवार लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे अधर्म का अंत करने के लिए। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण असुर रूप में अपनी पूर्ण शक्ति लेकर खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियाँ और अपने सारे दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेंगे। ये युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। चारों ओर हाथी घोड़ों की आवाज़, बाणों का टकराना और गदाओं की आवाज़ गूंजेगी। युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लथपथ हो जाएगी। अंत में कली कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके शरीर पर कई सारे घाव हो जाएंगे जिनसे बदबू आने लगेगी, उसके चेहरे पर एक गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा, इसमें कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी, अधर्म का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा, समय का नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। दुनिया भर की सभ्यताओं, धर्मों और साइंस की दुनिया में एक सोच कॉमन है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर धर्म के पास अपनी एक अंत की कहानी है, एक प्रकार की भविष्यवाणी जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में आर्मागेडन, अपोकलिप्स, जजमेंट डे जैसी प्रोफेसिस है, वही इस्लाम में कयामत का दिन, जुडाइज्म में एंड ऑफ डेज, और साइंस की माने तो उनकी भी अपनी थियोरीज हैं, जैसे सूरज का ख़त्म हो जाना, एस्ट्रॉयड का अर्थ को हिट करना, न्यूक्लियर वॉर्स, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक या फिर AI जैसी टेक्नोलॉजीज। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज़ कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में बनी उनके घोड़े देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनवाते समय किसी तरह से इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वो निशान कब और कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता था,
लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस घाव को नहीं भरा गया, जिस वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि समय के चलते वो घाव अपने आप भरता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है अपने स्वामी कल्कि के इंतजार में। जिस दिन वो घाव पूरी तरह भर जाएगा उस दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा और वही दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो घाव जल्दी जल्दी भर रहा है क्योंकि मानवता समय से पहले ही अपनी बुराई की सीमा पार कर रही है और कल्कि समय से पहले ही धरती पर आ जाएंगे। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप सात चिरंजीवी या कलयुग के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।